एक ऐसा ठग जिसने ताजमहल को ही बेच दिया था, और एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार, और सिर्फ यही नहीं बल्कि दो बार लाल किला और एक बार राष्ट्रपति भवन भी बेच डाला था। तो आइए जानते हैं कि कौन था ये मशहूर ठग। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर ठग नटवर लाल की, जिसका नाम देश में ही नहीं विदेश में भी मशहूर है। भारत के मशहूर ठग नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इसका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सीवान नाम के जिले के बंगरा गांव में हुआ था। उसने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था, लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवर लाल इतना शातिर था कि उसने तीन बार ताजमहल, दो बार लाल किला, एक बार राष्ट्रपति भवन और एक बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर करके नटवर लाल ने संसद को बेच दिया था। जिस समय उसने संसद को बेचा था, उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। उसने सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर विदेशियों को सारे स्मारक बेचे थे। दिल्ली का कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ बताता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। दो दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी नटवर लाल था, और इसके बाद वित्त मंत्री वीपी सिंह तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहर में दुकानदारों का छूना लगाता रहा। नटवर लाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा। उस समय वह व्हीलचेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवर लाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। वह कहता था कि मैं अमीरों से लूट कर गरीबों को देता हूं। उसका कहना था कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोग पैसे दे गए, इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवर लाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था, जिसके बाद नटवर लाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवर लाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाए। नटवर लाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहता है, का भी कहना था कि नटवर लाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, परंतु आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।